तो रिसेंटली मैंने मोटरोला का एक फीचर फोन ऑर्डर करा था जो कि कल मेरे पास पहुंच चुका है तो बॉक्स ऑलरेडी मैं ओपन करके फोन देख चुका हूं क्योंकि ओपन बॉक्स डिलीवरी थी फ्लिपकार्ट वालों का तो आप लोग के लिए दोबारा इसको अनबॉक्स करने जा रहे हैं तो फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारा फोन रखा मिल जाता है तो सबसे पहले प्राइसिंग की बात कर लेते हैं मोटरोला ए टेन यहाँ पे आप लोग मॉडल नंबर देख सकते हो एंड ये मेरे को पड़ा है थर्टीन हंड्रेड नाइनटी नाइन रुपीज में अंडर मेरे को फिफ्टीन हंड्रेड फोन परचेज करना था एंड उसमें मेरे को ये फोन सबसे बेस्ट लगा दैट्स वाई मैंने ये ऑर्डर करा है तो इसका जो सबसे मेन हाईलाइट है आप लोग यहीं पे देख सकते हो जो ये है टू ईयर्स की रिप्लेसमेंट वारंटी अगर इस फोन में कोई भी दिक्कत आती है केवल फिजिकल डैमेज नहीं होना चाहिए दो साल के अंदर अंदर तो मोटरोला आपको डायरेक्ट यहाँ पे रिप्लेसमेंट दे देगा एंड बात करें फीचर्स की तो इसके अंदर आप लोग देख सकते हो 1750 हंड्रेड की बैटरी देखने को मिल जाती है मतलब कि छह दिन से ज्यादा का आपको यहाँ पे बैटरी बैकअप मिलने वाला है डुअल सिम देखने को मिल जाता है वायरलेस एफ भी देखने को मिलता है एंड लाउड साउंड है मतलब साउंड काफी ज्यादा तेज है इसकी इसके अंदर आपको ब्लूटूथ का भी सपोर्ट मिल जाता है ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह का भी सपोर्ट है जिसके बारे में आगे वीडियो में बात करेंगे एंड ये रहा हमारा फोन इसको रखते हैं फिलहाल साइड में एंड नीचे आपको यहाँ पे इसका चार्जर देखने को मिल जाता है एंड यहाँ पे आपको बैटरी भी देखने को मिल जाती है तो एसेसरीज पे तो आपको सिक्स मंथ की वारंटी देखने को मिलती है एंड यहाँ पे आप लोग इसका चार्जर देख सकते हो जो कि 0.2 पॉइंट एंड 5 वोल्ट आउटपुट के साथ देखने को मिल जाता है एंड बात करें चार्जिंग पिन की तो इसमें आपको माइक्रो यूएसपी टाइप की चार्जिंग पिन देखने को मिल जाती है तो फटाफट फोन को ओपन करके इसकी बैटरी को इंसर्ट करते हैं एंड देख सकते हो मेरी सिम है जो ऑलरेडी इस फोन में डली हुई है क्योंकि मैं कल से इसको यूज कर रहा हूँ एंड ये रही हमारी बैटरी जो कि आपको अलग से देखने को मिलती है एंड इसकी बैटरी भी काफी ज्यादा सॉलिड है जो कैपेसिटी है बैटरी की ये है सेवनटीन हंड्रेड फिफ्टी एम एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डुअल सिम स्लॉट देखने को मिल जाता है एंड आपको यहाँ पे माइक्रो एस कार्ड का भी स्लॉट देखने को मिल जाता है तो इसके अंदर आप लोग यहाँ पे मेमोरी कार्ड वगैरह भी यूज कर सकते हो तो फटाफट बैटरी लगा के इसको ऑन करते हैं तो जो इसका लाउड स्पीकर है काफी ज्यादा तेज है एंड जब भी आप लोग फोन को ऑन करोगे तो कुछ आपको हेलो मोटो करके साउंड है वो आपको सुनाई देगा एंड यहाँ पे आप लोग इसके बटन वगैरह देख सकते हो ठीक बटन है सेंटर बटन के साइड में जो बटन है इनकी बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी मेरे को वीक लगी बाकी इसके अंदर आपको पीछे की साइड लाउड स्पीकर देखने को मिल जाता है एंड ऊपर की साइड आपको एक फ्लैश लाइट भी देखने को मिलती है एंड नीचे की साइड आपको यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलता है एस बी का एंड थ्री पॉइंट एम का आपको हेडफोन जैक भी देखने को मिलता है वैसे बॉक्स में आपको कोई भी हेडफोन वगैरह देखने को नहीं मिलेगा लेकिन ये जो फोन है ये हेडफोन सपोर्ट करता है एंड आप लोग यहाँ पे जो रेड बटन के ऊपर है इसका यूज करके कॉन्टेक्ट वगैरह ओपन कर सकते हो एंड यहाँ पे जब भी आप लोग सेंटर बटन प्रेस करोगे तो आपका जो म्यूजिक प्लेयर है ये ओपन हो जाएगा तो जब आप लोग इसमें मेमोरी कार्ड वगैरह यूज करोगे तो यहाँ से आप लोग गाने वगैरह प्ले कर सकते हो एक चीज मेरे को काफी ज्यादा ये बी लगा कि सेंटर बटन को आप लोग यहाँ पे कस्टमाइज नहीं कर सकते हो अगर इस बटन को आप लोग प्रेस एंड होल्ड करके रखोगे तो आपका यहाँ पे फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगा एंड इसको दोबारा प्रेस एंड होल्ड करके रखोगे तो आपका जो टॉर्च है ये ऑफ हो जाएगा तो सेंटर बटन को आप लोग कस्टमाइज नहीं कर सकते लेकिन इसके साइड में जो बटन है चार बटन दे रखे है इसको आप लोग कस्टमाइज कर सकते हो जैसे की अगर मैं नीचे वाला प्रेस करता हूँ तो प्रोफाइल्स ओपन हो जाता है साइड वाला प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे शॉर्टकट्स ओपन होते हैं एंड यहाँ पे जो लेफ्ट साइड वाला प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे कैलेंडर ओपन होता है तो इन सभी बटन को आप लोग कस्टमाइज कर सकते हो लेकिन सेंटर बटन को नहीं कर सकते हो मेन्यू ओपन करने के के लिए आपको ग्रीन बटन बटन ऊपर वाला प्रेस करना है कुछ इस टाइप का आपको मेन्यू देखने को मिल जाता है एंड बटन कस्टमाइज करने के लिए आपको जाना है सेटिंग्स में एंड आपको यहाँ पे जाना है फोन सेटिंग्स में तो यहाँ से आप लोग अपने शॉर्टकट्स को मैनेज कर सकते हो फिर नीचे है डेडिकेटेड कीज तो डेडिकेटेड कीज में आप लोग देख सकते हो जो चारों बटन है अप डाउन लेफ्ट राइट इनको आप लोग कस्टमाइज कर सकते हो अपने यूसेज के अकॉर्डिंग लेकिन अगर Motorola वाले सेंटर बटन को भी कस्टमाइज करने का ऑप्शन देते तो काफी बढ़िया रहता है यहाँ पे इसके अलावा फोन में आपको डेडिकेटेड फाइल मैनेजर देखने को मिलता है लेकिन इसको एक्सेस करने के लिए आपको मेमरी कार्ड डालना पड़ेगा गेम्स वगैरह देखने को मिल जाती है जो कि आप लोग कुछ खेल सकते हो फ्री फिलहाल नहीं तो आप लोग परचेज करने पड़ेंगे आप लोगों को ट्रायल खत्म होने के बाद एंड रिसेंट कॉल को एक्सेस करने के लिए आपको जो ग्रीन वाला बटन है इसको प्रेस करना है तो आप लोग अपनी सभी डायल नंबर को यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो एंड जैसे कि कि मैंने बताया था कि इस फोन में ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग सपोर्टेड है लेकिन ऑटो कॉल रिकॉर्ड करने के लिए आपको यहाँ पे इसके अंदर मेमरी कार्ड यूज करना पड़ेगा तो ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग को इनेबल करने के लिए आपको मेन्यू में जाना है सेटिंग्स में फिर तो आपको जाना है यहाँ पे कॉल सेटिंग्स में एडवांस में एंड यहाँ पे आपको जो सेकेंड ऑप्शन है ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का ये देखने को मिल जाएगा एंड इसको मैं ऑन करता हूँ तो ऑन हो चुका है लेकिन कुछ देर बाद आपके जो फोन की मेमोरी है ये भर जाएगी तो मैं रिकमेंड करूंगा कि इसके अंदर मेमोरी कार्ड डालो देन इस ऑप्शन का यूज करो तो ज्यादा बेटर रहेगा इसके अलावा आपको इसके अंदर काफी डिफरेंट टाइप्स के प्रोफाइल्स देखने को मिल जाते हैं एंड इसके अंदर साइलेंट प्रोफाइल वाइब्रेशन वगैरह हर चीज का सपोर्ट है एंड इसके अंदर डेडिकेटेड आपको ब्लूटूथ भी देखने को मिल जाता है जिसको आप लोग अपने मेन्यू में जाके एक्सेस कर सकते हो एंड कुछ छोटी मोटी फाइल अगर भेजनी हो तो वो आप लोग इस फोन में सेंड कर सकते हो तो वैसे तो फोन मेरे को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा बाकी मैं अपना यूजर एक्सपीरियंस है कुछ दिन यूज करने के बाद ही आपको शेयर कर पाऊंगा तो फिलहाल मेरे को इसको यूज करते

नहीं पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो थैंक यू दोस्तों